नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसे के बारे में। अगर पैसा नहीं टिकता है, आपका इनकम है, पैसा आता है, लेकिन पैसा घर में टिकता नहीं है, ऐसा बहुत जगहों पे देखा जाता है। मैं जितने भी घर देखता हूँ वहां पे लोगों के प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि सर इनकम है, वाइफ हस्बैंड दोनों कमाते हैं, बट पैसा आने के बाद रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ अचानक से खर्चा आता है या फिर किधर खर्चा हो जाता है पता नहीं चलता है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ भी नहीं बचता है हाथ में, सेविंग के लिए नहीं रुकता है कुछ धन। तो इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ आपको, कुछ यंत्र भी बोलूंगा या कुछ उपाय भी मैं आपको बोलूंगा कि क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन के बारे में देखते हुए अगर हम सबसे पहली बात, आपने अगर मेरे बाकी वीडियो देखे हैं तो सबसे बेसिक बात यह है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के स्वामी को स्टेबिलिटी, धन, प्रोग्रेस, ये सभी चीजें मिलने के लिए। अगर साउथ वेस्ट में कुछ दोष है, यानी कि ये कट है, ये जो पोर्शन है यहाँ से समझे यहाँ तक, अगर ये कट हुआ है या फिर यहाँ पर कुछ दोष है, टॉयलेट बना है, तो भी यहाँ पर धन रुकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो टॉयलेट है वो एनर्जी फ्लश आउट कर देगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, यहाँ पे फ्लश आउट होने वाली एनर्जी नहीं चाहिए। फ्लश आउट नॉर्थ वेस्ट में होगा तो अच्छी बात है, गंदगी निकल जाएगी, बट साउथ वेस्ट जो है वो अगर प्रॉपर नहीं होगा, इसका ग्राउंड लेवल नीचे रहेगा बाकी सभी रूम से, तो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यानी कि फर्स्ट थिंग इज साउथ वेस्ट, अगर आपके साउथ वेस्ट में कोई दोष है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर साउथ वेस्ट में कट है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर डायरेक्टली रेमेडी हम इसलिए नहीं बता सकते हैं कट की, क्योंकि उसके लिए बाकी वास्तु का एनर्जी देखना पड़ता है। अगर डायरेक्टली इसका हम रेमेडी दे देंगे और एनर्जी बैलेंस नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपका पूरा प्लान देखकर टिपिकल कट के लिए अलग रेमेडीज देना होता है। तो कट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए मेल आईडी पे, या फिर आप किसी भी वास्तुशास्त्री जो आपके घर के नजदीक में है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। साउथ वेस्ट का अगर नीचे हुआ है या फिर यहाँ पर ओपन टू स्काई गैलरी है आपकी, ऐसा कुछ है तो भी इसको दोष माना जाता है। यहाँ पर किचन है या पानी का एक्सेस है तो भी दोष माना जाता है, इसकी वजह से भी जो है घर में पैसा नहीं टिकता है। जब भी आप आपके लोन का ईएमआई चुकता करोगे, ये एक ज्योतिष उपाय है, जब भी लोन का ईएमआई आप चुकता करोगे तो आप मंगलवार को अगर पहला, क्योंकि पूरे पॉसिबल नहीं होते हैं, या पहला भी, तो एटलीस्ट आप जो भी पोस्ट डेटेड चेक दोगे, आपके जो भी डेट रहेगा जब ईएमआई कट होगा, बट आप बैंकर को जब भी चेक दोगे तो एटलीस्ट वो मंगलवार को दे दीजिए। आपके पहले जो भी आप चेक दोगे या डॉक्यूमेंट सैंक्शन कराओगे तो मंगलवार को कराओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मंगलवार को हफ्ता देना भी बहुत, ईएमआई जो है वो देना बहुत अच्छा रहता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पानी, पानी की जो दिशा है वो बहुत महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल चीजों के लिए। फाइनेंशियल चीजें, आपकी हेल्थ, इन चीजों के लिए पानी का पोजिशन बहुत जरूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है ये पानी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी जो लेवल है ग्राउंड लेवल वो सबसे नीचे होनी चाहिए और साउथ वेस्ट ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर अंडरग्राउंड वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक पानी का लोटा भरकर यहाँ पर रख सकते हो। अगर आपका पूजा घर यहाँ पे है तो बहुत अच्छी बात है, पूजा घर के वहीं पे आप एक कलश रख सकते हो, या फिर जैसे एक तांबे का पानी का लोटा आप यहाँ पे रखिए, डेली उसमें का पानी चेंज कीजिए तो भी बहुत अच्छा रहता है। नॉर्थ साइड में भी आप पानी रख सकते हैं, यहाँ पर पानी रखना बहुत अच्छा होता है। घर में पैसा टिकने के लिए ये बहुत जरूरी चीजें है। अगर आपका इंडिविजुअल घर है और आपका बोरवेल जो है साउथ वेस्ट में आया है या साउथ में है तो भी पैसा टिकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर आपका इनकम रहेगा, आपका जॉब है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, वेतन आएगा, सब पैसा आएगा, बट आपका खर्चा इतना होगा पैसा नहीं टिकेगा। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए अलग रेमेडीज रहते हैं। लेकिन आपका पानी जो है किस दिशा में है पहले आप ये चेक कर लीजिए,
कि अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है तो पहला देश दोष हो सकता है साउथ वेस्ट में, दूसरा नॉर्थ ईस्ट में। दोस्तों अभी इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आप पानी का लोटा रखिए, अगर वहां पे बोरवेल नहीं है तो। दूसरी चीज, अगर साउथ वेस्ट में समझो कुछ माइनर दोष है, गैलरी है वगैरह कुछ है, तो आप वहां पर राहु यंत्र लगा सकते हो। लेकिन साउथ वेस्ट की रेमेडी के पहले आप वास्तु शास्त्री से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये जो कॉर्नर है ये स्टेबिलिटी रिलेटेड है। यहाँ पर रेमेडी करना यानी घर के स्वामी के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए आप ये रेमेडी करने से पहले साउथ वेस्ट की किसी वास्तु शास्त्री से कंसल्ट कीजिए, या जो नीचे मेल आईडी दिया है उसके ऊपर आप मेल भेज सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट जो थिंग है, यहाँ पर मिरर। अब घर में मिरर कहाँ पे लगाते हो दोस्तों? मिरर जो है ये घर में एनर्जी बहुत ज्यादा इमिट करते हैं, यानी कि एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है मिरर। ये अगर गलत जगह पे लगता है तो वो गलत जगह की एनर्जी बढ़ाने लगता है मिरर, क्योंकि कंटिन्यूस उसमें रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन से चीजें डबल होती है। अगर कोई माइनर दोष है गलती से वहां पर मिरर लग गया तो वो उस दोष को बढ़ाता रहेगा, इसलिए मिरर का पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। मोस्टली एक बात बेसिक ध्यान में रखिए, घर में मिरर जिस भी रूम में आप लगाओगे उस रूम के नॉर्थ या ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ या ईस्ट, अगर आपका ये रूम है तो नॉर्थ या ईस्ट, इस रूम में नॉर्थ या ईस्ट, ऐसे उस रूम के नॉर्थ या ईस्ट वॉल को आप मिरर लगा सकते हैं। बाकी जो साउथ और वेस्ट वॉल है वहां पे मिरर लगाना अवॉइड कीजिए। आपका समझिए यहाँ पर वॉशिंग प्लेस है, वॉशिंग प्लेस में आप मिरर लगाते वक्त या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, उस वॉशिंग रूम के जो नॉर्थ या फिर ईस्ट वॉल है वहां पर आप मिरर लगा सकते हो। लेकिन मिरर जहां पर अवॉइड मैंने कहा है वहां पर लगाना कृपया अवॉइड कीजिए, उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, मिरर बहुत ज्यादा दोषों को डबल करता है। इसलिए फर्स्ट थिंग हो गई साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण, दूसरा हो गया ईशान कोण पानी के बारे में, बाद में हो गए मिरर्स, और सेम थिंग जो मिरर के बारे में मैंने बताई है वो ही एप्लीकेबल है वॉच यानी वॉल क्लॉक के बारे में। वॉल क्लॉक आप लगाओगे उत्तर या पूर्व की दीवार पर, आपको वो नहीं लगाना है दक्षिण या पश्चिम की दीवार पे, ये ध्यान में रखना है। जो मैंने मिरर के बारे में बताया है वही चीजें वॉच के बारे में भी एप्लीकेबल रहेगी। जैसा मैंने पहले बताया है साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये एनर्जी ड्रेन आउट करता है। और एक मेजर बात ऐसी है कि गलत दिशा में स्टेप्स नहीं होना चाहिए, यानी अगर नॉर्थ में आपके घर की स्टेप्स बनी है तो ये नॉर्थ को बहुत हेवी बना देगी। नॉर्थ जो है ये दिशा लाइट वेट, अगर आपके स्टेप्स यहाँ पे है लेकिन साउथ वेस्ट में कुछ बहुत हेवी स्ट्रक्चर है घर का तो ये दोष नहीं रहेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट ज्यादा हेवी बनेगा। ये सिर्फ स्टेप्स के बारे में नहीं है दोस्तों, ये चीज है वेट के बारे में। आपके स्टेप्स यहाँ पे है यानी कि वेट बढ़ गया है, लेकिन स्टेप्स से ज्यादा हेवी स्ट्रक्चर अगर कुछ साउथ वेस्ट में है तो ये दोष नहीं रहेगा, ये डायरेक्शन हेवी बनेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मैं स्टेप्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उस पार्ट को हेवी बनाती है, तो अगर ये गलत जगह पे आ रही है, ये सेंटर में आ रही है, यानी सेंटर में आप बोलोगे सेंटर में कैसे आएगी, तो यहाँ से अगर आप स्टेप्स चालू कर रहे हो समझो रोहा से, यहाँ से चालू हो गए स्टेप्स और यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये ब्रह्मस्थान इतना है और ये आकर ब्रह्मस्थान में रुक गई तो ये ब्रह्मस्थान डिप्रेस करेगी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसकी रेमेडी जरूर करवा लीजिए। घर में हमेशा टेंशन भरा वातावरण रहेगा, अगर घर का जो स्वामी है वो हमेशा किसी न किसी टेंशन में दबा रहेगा या फिर उसको गर्दन की बीमारी रहेगी, ऐसी चीजें अगर यहाँ पर स्टेप्स आती है तो हो सकता है, और डेफिनेटली उसको गर्दन रिलेटेड बीमारी हो सकती है। तो स्टेप्स गलत जगह पर नहीं चाहिए, ये मैंने एग्जांपल नॉर्थ दिया है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है, ईस्ट में हो सकती है, ये प्रॉपर जगह पे होने चाहिए। और स्टेप्स की प्रॉपर जगह देखने के लिए दोस्तों प्लान देखना जरूरी है, क्योंकि प्लान के ऊपर जो घर की जगह है प्लॉट है उसके ऊपर जो है वास्तु पुरुष ड्रॉ करना पड़ता है, और जहां पर वास्तु पुरुष को इम्पैक्ट नहीं होगा ऐसी जगह देखकर स्टेप्स वहां पर बनाना पड़ता है।
इसलिए स्टेप्स मैं यहाँ पर बोल दूंगा, सॉल्वेशन में बताऊंगा फिर भी बनेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए वास्तु प्लान देखना बहुत जरूरी है कि आपके घर में कहाँ पर ऐसी जगह मिल रही है जहां पर हम स्टेप्स कर सकते हैं, इसलिए प्लान देखना जरूरी है स्टेप्स सजेस्ट करने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये यहाँ पर फिक्स जगह पे स्टेप्स बनाइए। तो ये कुछ चीजें हैं। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है दोस्तों, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, घर के स्वामी हो, सबसे पहले यूज करना चालू कीजिए। आपको विद इन अ मंथ इम्पैक्ट मिलेगा, आपके सेविंग्स बढ़ते जाएंगे। बाद में जो पानी है, पानी का आप करके देखिए, इसका भी आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। अगर स्टेप्स है तो आप इसका रेमेडी करवा लीजिए। और जो मिरर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वॉच और मिरर, उसका भी आप चेंज कर लीजिए डायरेक्शन। ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है उसके लिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल में एक वास्तु प्लेलिस्ट है, उसको जरूर एक बार गो थ्रू कीजिए। आपके काम की बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी। धन्यवाद।